हमीरपुर के बड़सर के बड़ी में निजी स्कूल में शक के आधार पर एक बच्चे की सफाई करने वाले वाइपर से निर्मम पिटाई करने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक ने आपा खोकर इस कदर नौवीं कक्षा के छात्र की पिटाई की कि जिससे छात्र के गले, पीठ और प्राइवेट पार्ट पर जख्म बन गए हैं और पिटाई के दौरान वाइपर तक भी टूट गया, लेकिन फिर भी छात्र की पिटाई होती रही और बाद में छात्र को चक्कर भी आ गया। वहीं स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस थाना वर्सत में मामला दर्ज करवाया गया है और छानबीन की जा रही है। जानकारी के अनुसार पवन कुमार निवासी गांव मनोहर राजपूता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरे बेटे के साथ स्कूल प्रबंधक ने मारपीट की है। शिकायत में बताया गया है कि पिटाई के बाद चक्कर आने पर छात्र को प्रिंसिपल रूम में कुछ देर रखा गया। स्कूल में छुट्टी होने के बाद छात्र ने सारी आपबीती घर पर सुनाई। वहीं शिक्षा उपनिदेशक सोमदत्त संख्यान ने छात्र के साथ हुए मारपीट मामले में बताया कि उनके ध्यान में ये मामला नहीं आया है और अगर ऐसा हुआ है तो निजी स्कूल में जाकर मामले की छानबीन कर उचित कार्यवाही की जाएगी। कोई शिकायत नहीं आई है और मैं अखबार में ही पढ़ रहा था तो उसमें स्कूल का नाम नहीं दिए गए हैं, तो जैसे ही मेरे पास अगर शिकायत आती है तो उसके ऊपर छानबीन करके उचित कार्यवाही करेंगे। इसकी इंक्वायरी होगी, पहले जांच होगी और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जो है सरकार को फिर देंगे। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि बड़सर के बणी में इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक द्वारा छात्र से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। उन्हें बताया कि छात्र का मेडिकल करवाया जा रहा है जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। सर, थाने में कल एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें कि एक बच्चे के साथ में मारपीट हुई है स्कूल में। बणी में इंटरनेशनल 7-स्टार इंटरनेशनल स्कूल है, उनके एमडी ने बच्चे के साथ मारपीट की। इसमें पुलिस ने मामला दर्ज करवा लिया है और सेक्शन 23 जेजे एक्ट में ये मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया है। मेडिकल में जो हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आएगी फाइनल, उसके आधार पर जिसमें और कोई सेक्शन ऐड करना होगा तो वो भी किया जाएगा। सही है।